राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। हरियाणा के 10 सीटों के लिए वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 25 मई को मतदान होने हैं, लिहाजा प्रचार के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। उम्मीदवार हो या स्टार, सभी जी जान से प्रचार में जुटे हैं। आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी चुनाव की हर बात और रंग दिखा रहा है। तो हमारे खास शो चलो दिल्ली में आज हिसार से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी है। जयप्रकाश जेपी प्रचार में कितनी ताकत झोंक रहे हैं, हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर ने खास बातचीत की, देखिए। इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों को इंडिया न्यूज की तरफ से राम राम। आज हम पहुंचे हैं हिसार लोकसभा में, जहां पर देश भर में जो चुनाव लोकसभा के चल रहे हैं उसी कड़ी में हरियाणा में भी 25 मई को चुनाव है और इंडिया न्यूज की टीम लगातार हर लोकसभा में ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में और जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं उनकी क्या स्थिति है। इसलिए आज हिसार लोकसभा की स्थिति इंडिया न्यूज की टीम दिखाएगी और हिसार से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जयप्रकाश, आज उनके चुनावी दौरे में साथ रहेगी और साथ ही जानेगी कि यहां पर क्या मुद्दे हैं और साथ ही जो हिसार से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जयप्रकाश, उनका जो चुनावी दौरा है वो कैसे चल रहा है। हिसार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश अपने चुनावी दौरे पर निकल गए हैं क्योंकि लगातार सुबह से और रात तक चुनावी दौरे करते रहते हैं और क्या कुछ खास इस बार चुनाव में देख रहे हैं, हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? 10-5 खड़कू आदमी भी हैं। माहौल बड़ा जबरदस्त है। मैंने 42 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार अब की बार जनता चुनाव लड़ रही, आम जन मतदाता चुनाव लड़ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो पहले सहयोगी थे, अब और बात अलग है कि इनका एक समझौता तोड़ने का समझौता हुआ है एक, तो उनकी कुकर्मों से कुनीतियों से लोग परेशान थे, आज वो खुल करके उजागर हो गया। तो कौन से ऐसे मैनिफेस्टो हैं आपके जो जनता के बीच आप रख रहे हैं, जो जिनको जनता कह रही है कि जरूरी है? तो सबसे जरूरी तो आज है बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना। एक हमारे इलाके में सैनिक बहुत है, फौजी, तो हम ये जो अग्निवीर योजना है हम इसको बंद करेंगे। यह इंडिया गठबंधन का भी हमारे नेता राहुल जी का फैसला है। एक एक नई चीज़ जो हमारी पार्टी ने की है कि हम पूरे देश की महिलाओं को महिला न्याय के नाम से 1-1 लाख रुपया उनके खाते में डालेंगे। 5-6 बातें हरियाणा प्रदेश की, जैसे नरेगा की लेबर है, नरेगा की लेबर में BJP देती है 357 रुपये, 400 तक पूरा करेगा केंद्र सरकार और उसके बाद 200 रुपये पर डे हर मनरेगा के लेबर को हरियाणा सरकार देगी। हर भूमिहीन को, गरीब आदमी को, SC को, BC को 100-100 गज के प्लाट में 3-3 कमरे का मकान बना करके देंगे। हम हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। हम हर बूढ़ा बूढ़ी को, बुजुर्ग को, बूढ़ी माता को 6,000 रुपये हर महीना देंगे और वो उसी दिन देंगे जिस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुर्सी पर बैठेंगे, उसी दिन ऐलान कर देंगे। हम आखिरी एक जो बड़ी चीज़ है OPS, हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी बड़े ललायत है और ये ज़रूरी भी उनके लिए, क्योंकि सरकार ने इस तरह का सिस्टम कर दिया, कर्मचारियों की खून और पसीने की कमाई चंद घरों में भेज दी, तो हम वो लागू करेंगे। और किसान को जो जिसकी गलत केंद्र की नीति की वजह से, BJP के लोगों की वजह से 730 किसान हमारे शहीद हुए थे, उनकी शहादत अब रंग लाएगी और हम MSP को कानून की गारंटी का दर्जा देंगे, यानी कि हम स्वामीनाथन कमीशन का जो है C2+50% प्रॉफिट वो लागू करेंगे और जो उसको तोड़ेगा उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा। ये कानून कह रही है कि राष्ट्र का चुनाव है, ये राष्ट्र के लिए वोट दो इसको। BJP का राष्ट्र का मेले को नहीं, तो ये तो देशद्रोहियां दे मारे हैं, राष्ट्र की कहाँ बात करते हैं, कब इन्होंने राष्ट्र की बात की? ये राष्ट्र के लोग नहीं है क्या नौजवान? उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, दे दिया। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर धन खाते में जाएंगे, दे दिया किसी को?
किसान की आय दोगुनी करने की बात किसी राष्ट्र का मामला नहीं है। ये 730 किसान मरवाए, ये इस राष्ट्र के नहीं थे। इस देश के दलितों पर लाठियां पड़वाई संविधान को बचाने के लिए दलित समाज के लोगों को ये राष्ट्र की बात नहीं थी। केजरीवाल को बिना कसूर जेल में बंद कर दिया था, ये राष्ट्र की बात थी। हेमंत सोरेन जो दलित समाज से संबंध रखता है, आज भी झारखंड के चीफ मिनिस्टर से बिना कसूर के जेल में डाल दिया, ये इनका राष्ट्रवाद है। या राष्ट्रवाद है कौन सा? मैं बीजेपी के साथियों से पूछना चाहता हूँ, अगर ये देश को तोड़ना इनका राष्ट्रवाद है तो हरियाणा प्रदेश की जनता बागी हो चुकी है। कह रहे हैं कि 400 पार का नारा है देश में और हरियाणा में 10 की 10 सीटों पे कमल भी खिलाना है। ना 400 पार, ना भाजपा किसी की यार, मेरे धोखेबाज दगेबाज है, कोई इन पे विश्वास नहीं करेगा। और भी बयानबाजी हम करेंगे, आज आपके साथ चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं, इंडिया न्यूज की टीम देखेगी किस तरह का माहौल है। और देखिए जयप्रकाश जी निकल चुके हैं और इस समय आप देख सकते हैं, और इंडिया न्यूज की टीम आज जयप्रकाश के साथ चुनावी दौरे पर रहने वाली है और किस तरीके का चुनाव प्रचार जयप्रकाश का चल रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आज कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, हमारे साथ हर्षवर्धन है। आज आपने बीजेपी कांग्रेस का दामन थामा है, पहले किस पार्टी में थे और क्या वजह रही कांग्रेस का दामन? नहीं, मैंने तो मेरा पुराना संबंध है जयप्रकाश जी से, मैंने कोई दामन नहीं थामा, मैं तो पहले से इनके साथ हूँ। ये और लोगों ने ज्वाइन किया, काफ़ी लोगों ने, अपने तो घर चाय पाने का मित्रता के नाते कार्यक्रम था इनका, अपना ये घर है। क्या लगता है कि लगातार बीजेपी छोड़कर लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? वजह तो बीजेपी की जो झूठ बोलने का जो इनका कार्यक्रम चला कि भाई हम काला धन ले आएंगे, हम किसानों की आय दुगुना कर देंगे, हम वो कर देंगे, उन बारों के बारे में तो 10 सालों बाद भी कोई जवाब नहीं, और नई नई बातें कर हम ये कर देंगे, झूठ बोलने की कोई लिमिट ही नहीं है। राम मंदिर हमने बना दिया, राम मंदिर तुमने बना दिया तो बढ़िया काम हो गया भाई, हम राम मंदिर में चले जाओगे, राम मंदिर के नाम के वोट किस लिए? बढ़िया काम कर दिया, आगे काम कांग्रेस हो करने दो। तो हिसार में क्या स्थिति देखते हैं आप? जयप्रकाश रिकॉर्ड मतों से विजयी होगा। कांग्रेस प्रत्याशी हम देख रहे हैं कि लगातार जयप्रकाश चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अनाज मंडी में पहुंचे हैं, यहां पर लड्डू जो है बांटे जा रहे हैं, किस खुशी में लड्डू बांट रहे हैं? ये जयप्रकाश की जीत की खुशी में बांट रहे हैं जी। हाँ जी, अभी तो 25 मई को वोटिंग होनी है। जीत रहे हैं जी, क्लियर, पूरा पूरा समर्थन मिलने लग रहा है जी, पब्लिक का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है प्रधान जी को एडवांस में। लेकिन इस बार देवीलाल परिवार के तीन तीन वारिस चुनाव लड़ रहे हैं, वे ज्यादा हो गए जी, एक परिवार से, एक परिवार में इतने नहीं होने चाहिए नेता। हाँ जी, क्या लग रहा है, क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार? चुनावी मुद्दे ये है जी, विकास के मुद्दे हैं सारे, कांग्रेस विकास करती है, हर तबके का विकास करती है जी। हाँ जीतेंगे भाई, 3.5 लाख वोटा जीतेंगे जयप्रकाश जी। हाँ, किसने दिया आपको ये आंकड़ा? जनता, आप देख लो कहीं भी चल रहे जयप्रकाश जी प्रोग्राम में, बड़ी अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, बहुत बढ़िया। जयप्रकाश के प्रति लोगों के मेले लगे हुए हैं, प्यार में किसानों के, मजदूरों के, जयप्रकाश के लिए इतना बहुत स्नेह किसी के पास नहीं। देखिए बिल्कुल हमारे साथ जयप्रकाश खुद स्वयं है, सर हम देख रहे हैं कि लड्डू बांटे जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लड्डू जो है जीत की खुशी में बांटे जा रहे हैं। ये तो देखो साथियों का हौसला है कि लोगों ने मन बना लिया है कि जिस सरकार ने हर वर्ग की अनदेखी की हो, जिस सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया हो, जिस पार्टी ने जनता को धोखा दिया हो, आज वो तीनों पार्टी इकट्ठी फंसी हुई हैं, तो इसलिए लोगों ने मन बना लिया इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जयप्रकाश को जिताएंगे। हम देखते हैं कि अखाड़े में जब कुश्ती होती है तो दो जवान आपस में भिड़ते हैं। कैप्टन अभिमन्यु एक भाषण दे रहे थे कल हिसार में ही, वो कह रहे थे कि रंजीत सिंह चौटाला से जयप्रकाश से ज़्यादा जवान तो रंजीत सिंह चौटाला है, दोनों को आमने सामने खड़ा कर दो, जवान जो है रंजीत सिंह चौटाला दिखेंगे। यहाँ जवानी की जरूरत दिखानी है, सेहत नहीं, यहाँ सेहत नहीं दिखानी, यहाँ विवेक और बुद्धि और विजन आचरण ये दिखाना है, ना तो उसका विवेक है ना उनका आचरण है। क्या क्या अब शब्द गए हैं ब्राह्मण जगत के खिलाफ, ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ, ये आचरण था उसका, किस तरीके से अपना शर्मा जी का, रामलीला शर्मा जी का अपमान किया, बोलने में अहंकार है, घमंड है, फ्यूडल माइंडेड
उम्मीदवार को लोग पसंद नहीं करते। तो वो ये भी कह रहे हैं कि लोग भलीभांति समझते हैं और लोग जानते हैं कि वो अपने आप किस गांव से आए, अभी तक भी नहीं पता चला कि कौन से गांव से आप। कौन आपके बारे में कहा है कैप्टन अभिमन्यु? अभी वो कैंडिडेट नहीं, वो क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, कुछ भी कहते हैं मैं उसकी बात का जवाब नहीं देता। लेकिन राजनीति में सन्यासी और सियासी जिसने जनता की सेवा करनी है उसका कोई जगह और स्थान नहीं होता, वो जहाँ लोग चाहें वहीं पर जा सकता है। मेरे स्थान के बारे में मुझे किसी से सर्टिफिकेट ना लेने की ज़रूरत है, ना ऐसे लोगों से मैंने सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है। मेरा सर्टिफिकेट मेरे इलाके की वो जनता है जिसने, इसी इलाके ने जब कुछ लोग राजनीति में पैदा नहीं हुए थे उस वक्त में केंद्र में मंत्री रह गया था, 1989 से मुझे यहाँ से जितवाते रहे हैं। अच्छा, एक और है कि नैना चौटाला के ऊपर जो हमला हुआ उसमें ये कहा गया कि जयप्रकाश ने हमला कराया, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते मैं इस बात में नहीं पढ़ता, लेकिन वो मैं एक परिवार विशेष परिवार है, पिछले 35-36 साल से मेरी पॉपुलरिटी से मेरी लोकप्रियता से बड़ा परेशान है, वो आरोप प्रत्यारोप इस तरह के लगाते रहते हैं। जनता 25 तारीख को फैसला करेगी। जिस तरीके का व्यवहार ये परिवार के तीनों लोग मेरे खिलाफ कर रहे हैं, जिस तरह का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक साधारण किसान का बेटा हूं, मैंने संघर्ष करके राजनीति की है और इन लोगों ने चौधरी देवीलाल के नाम को, जो बहुत ऊंचा नाम हुआ करता था, उसको कमज़ोर करने का काम किया है, तो इसलिए तो जनता फैसला करेगी कौन क्या कह रहे हैं। देवीलाल परिवार के तीन वारिस चुनाव में, रणजीत सिंह चौटाला, सुनैना चौटाला, नैना चौटाला, लगता है कि जिस तरह से वो देवीलाल परिवार के नाम पर तीनों ही वोट मांग, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं अपने नेताओं के नाम से वोट मांग रहा हूँ, लेकिन वो चौधरी देवीलाल तो उनके तीसरी पीढ़ी में है, पहले तो ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो रणजीत सिंह भी, वो अपने लिए तो मांग लो, मैं मेरे लिए मांग रहा हूँ, मैं मेरे किए हुए की वोट मांग रहा हूँ, वो मांग के दिखा दो। एक कहा होता है ना कि पूर्वजों के नाम का सहारा राजनीति में कायर और कमजोर लेते हैं। धन्यवाद। आपने देखा जयप्रकाश लगातार चुनावी प्रचार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और इस समय उकलाना जो मंडी है उसमें पहुंचे हैं, जहाँ पर कई आड़तियों ने यहाँ पर समर्थन दिया है। साथ ही आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से जयप्रकाश का ये चुनाव प्रचार चल रहा है। हिसार लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश उकलाना विधानसभा के बिठमड़ा गांव में पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इस समय तमाम जो बिठमड़ा गांव की सरदारी है उन्होंने यहां पर जयप्रकाश का समर्थन किया है और साथ ही इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत का आश्वासन यहां दिया है। यहां तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं, तमाम जो गाँव के लोग हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं और कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जान लेते हैं, बुजुर्ग लोग हमारे साथ हैं। तब क्या कहेंगे, इस बार का चुनाव प्रचार कैसा देख रहे हो आप? हाँ, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बढ़िया है, जमा प्रचार जिताएगा छोटा। किसकी लहर है? जेपी ने, जेपी की लहर है। क्यों देना चाहते हो जेपी को वोट? बढ़िया आदमी है जी, हाँ बढ़िया आदमी है, काम करे है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है 400 पार का नारा, क्यों कहने का केस है? कहने तो क्या केस, हमारे लोकसभा के और भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं। इस बार का चुनावी माहौल कैसा देख रहे हैं? एक तरफा कांग्रेस के, कांग्रेस क्यों, 10 साल हो गए, इसने दिया क्या है? बीजेपी ने दिया क्या है लोगों को? लठ मातर शक्ति, हर वर्ग को लठ मारे हैं, हर कर्मचारी व्यापारी सभी को नहीं, लठों से काम किया। बिठमड़ा गांव से ही आप? नहीं, मखण से हैं। हाँ, क्या लग रहा है, कैसा माहौल देख रहे हैं? बिल्कुल एक तरफ भाई। हाँ, लेकिन देवीलाल परिवार के तीन तीन वारिस भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। वो बीजेपी में है, उनका कोई मोल नहीं। तो जेजेपी भी तो लड़ रही है, इनेलो भी लड़ रही है। खत्म है जी, सारे बिल्कुल खत्म है। हाँ, आप बताओ दाऊ कैसा देखते हो? एक तरफा जयप्रकाश जेपी को एक तरफे वोट मिलेंगे और 4 लाख वोटों से जिताएंगे।
इसलिए क्यों इतना समर्थन दे रहे हैं आप? बहुत अच्छा आदमी है, 3 बार संसद से रहा है और मैं उकलाना गांव से सरपंच हूँ और चाहे एक बार जो कह देता कर देता काम, इसमें खासियत है इसलिए यहाँ। प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनमें खासियत नहीं है? मैं दुष्यंत चौटाला को छोड़ के आया हूँ, जो जप्पा को छोड़ के नहीं, इसमें रड़ा हूँ। इस बार किस की लहर लग रही है आपको? जेपी की। जेपी की? हाँ जी। जेपी क्यों, जेपी को क्यों वोट देने चाहते हो आप? अच्छे काम करेगा जी जनता। हाँ। जो और लोग चुनावी मैदान में हैं वो कैसे देखते हो? हाथ पलाओगे। हाथ पलाओगे? इनेलो भी है, जेजेपी भी है, बीजेपी भी है, अपना तो हाथ साथ थे पलाओगे। अच्छा, हाथ ही क्यों? मन्ना और तो कुछ सुनता को नहीं, मन्ना मतलब ये जानू आज पलाओगे। देखिए महिलाएं भी यहाँ पर अपने अपना जो राय है वो रखती हुई नजर आ रही हैं। कैसा चुनाव चल रहा है, कैसा देखते हो? अरे भाई सही चल रहा है, मस्त रहा। आगे के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है आपको? हम ना तो जेपी का। जेपी के? हाँ जेपी का। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हम ना तो जेपी दिखा भाई सारा, और इनकी पूछ लिया मैं तो भी अनपढ़, हम ना तो जेपी। आप बताइए। जेपी को जिताना चाहते है, मोदी ने तो जमा नाश कर दिया हमारा। हाँ जेपी ने बनाकर हम आगे कड़ा। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जयप्रकाश के माहौल में जो नज़र आ रहा है ये चुनाव प्रचार, हालांकि सभी जो और उम्मीदवार हैं वो भी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और इसी तरह हम और भी अन्य विधानसभा में आपको लेके चलेंगे, हिसार लोकसभा की, जहाँ पर लोगों की राय जानेंगे और साथ ही देखेंगे कि किस तरह का जो माहौल है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। हिसार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश लगातार चुनावी दौरे पर हैं और इंडिया न्यूज की टीम भी लगातार उनके साथ दौरा कर रही है। आज हिसार में सीएम नायब सैनी पहुंचे थे, उन्होंने कहा सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। नायब सैनी की बात की कोई कीमत है? कोई विश्वास करता है इसकी बात पर? इसके तो अल्पमत का चीफ मिनिस्टर है, कौन विश्वास करेगा? वो कुछ भी कहे उसकी बात का कोई महत्व नहीं है। क्या लगता है कि जिस तरह से आप हर गांव में जा रहे हैं, खासकर मुद्दे क्या देख रहे हैं आप, क्या आपको लग रहा है कि, क्योंकि मैंने भी कई किसानों से बात की है, उनके मन में पीड़ा है कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया सरकार ने, आप क्या आश्वासन दे रहे हैं? देखिए देश का किसान है अन्नदाता, मजदूर है देश का निर्माता, दोनों दुखी हैं। ना इनको किसान देख के राजी है, ना मजदूर देख के राजी है। कर्मचारी बड़ा भारी परेशान है, व्यापारी बड़ा दुखी है, नौजवान देश छोड़ने पर विवश हो रहा है। तो इनके साथ तो कोई है ही नहीं, बहुत बुरा हाल होगा इनका। इनका तो होगा एक क्या होता ना, सने सने छुट जाएंगे सब संतन के साथ, आखिर में रह जाएगी एक मूर्ति काट की, एक बाबा पार्श्वनाथ, ये दो ही रहेंगे। दो यानी अमित शाह और मोदी, बस बाकी सब चले जाए छोड़ जाएंगे। अच्छा प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी हरियाणा में गरजने वाले हैं, उनकी 4 रैलियाँ हैं। हाँ, आज भी जब प्रधानमंत्री जी की शक्ल लोगों को दिखेगी ना, फिर वही याद आ जाएगा 15 लाख कब आएंगे, 2 करोड़ बच्चों को सब साल में नौकरी देने का वायदा किया था, अच्छे दिन कब आएंगे, किसान की आमदन दुगुनी करने की बात की तो कब होगी, सब चीज़ें नई उपज जाएंगी और लोगों में क्रोध बढ़ जाएगा। हम देखते थे जयप्रकाश जी की पहले घोषणा पत्र हुआ करते थे, आजकल न्याय पत्र संकल्प पत्र चल रहे हैं, लगता है कि इससे जो पहले घोषणा पत्र और अब न्याय पत्र संकल्प पत्र चल रहे हैं इससे कुछ लोगों में तो नाम अलग अलग रखा हुआ, चीज तो वही है, चीज तो अलग ही है वो तो मैं भी मानता हूँ कि, लेकिन नाम से काम होता है लगता है कुछ जब शब्दों का उच्चारण? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घोषणा पत्र से काम होता है। जब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में चीफ मिनिस्टर बने, जो घोषणा की थी 9 में हमने सारी पूरी करी, सारी पूरी करते हैं, फायदा रहता है जनता को। रंजीत सिंह चौटाला हालांकि बिजली मंत्री सरकार में रहे और अब सांसद के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा उम्मीदवार के रूप में, कैसा लग रहा है कि क्या उनके उनके कार्यकाल को आपने कैसा देखा? लोग इसको कहते हैं लोगों के घरों पे छापा मार मंत्री, लोगों को लुटवाया है, लोगों को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया बिजली बोर्ड ने। ये बार बार बड़े बड़ा खुश होकर बयान देता था, मैंने 200 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल लिया, मैंने 300 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल लिया, तो छापे मार इसका नाम रख दिया लोगों ने, रणजीत सिंह तो छापे मारे लोगों के घरों पर, इसलिए इसको वोट मत दो। हम देख रहे हैं सब जितने भी उम्मीदवार हैं वो मोदी के नाम पर जो है वोट मांग रहे हैं। दक्षिणी हरियाणा के
राजा राविंद्रजीत सिंह पहले अपने आप को बड़ा नेता मानते थे, आज वो भी कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर मैं वोट मांग रहा हूँ। साथ ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बात साफ कर दिया है कि यदि किसी भी विधानसभा में लोकसभा उम्मीदवार को अच्छे बहुमत से वोट नहीं मिले तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी टिकट पर कैंची चल सकती है। वो तो देखो उनकी बात का फैसला, वो जाने क्या है, मैं क्या कह सकता हूँ, उनकी पार्टी का मामला है। लगता है कि एक विधायकों को कड़ा संदेश, अब कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा संदेश दिया हो कि क्यों संदेश देगी, कांग्रेस का चुनाव तो जनता लड़ रही है, कांग्रेस का चुनाव तो जनता लड़ रही है, तो कांग्रेस की क्या जरूरत है संदेश देने की। संदेश दबाओ या ताना साहब या तो अपनाते जो अपना जनाधार खो चुके हैं, अब इनके पहले कुछ नहीं है। तो इस देश का चुनाव राष्ट्रहित का चुनाव जो कहा जा रहा है, क्या मुद्दों का चुनाव होना चाहिए राष्ट्रहित का चुनाव? मुद्दों का चुनाव, राष्ट्रहित तो सबके लिए है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है तो सबके लिए, हम सबके लिए अकेले ठेकेदार है क्या? अगर इनमें थोड़ी सी राष्ट्रीयता होती, पुलवामा की आज तक जाँच नहीं करवाई, कहाँ है राष्ट्रीयता इनमें? किसानों का 730 किसानों ने अपनी शहादत देनी पड़ी, कहाँ इनमें राष्ट्रीयता? अन्नदाता को मरवाया, बड़ी ताड़ी खुश होते थे, एक दिन श्रद्धांजलि के दो शब्द पार्लियामेंट में नहीं बोले, इन राष्ट्रीयता का बीजेपी का क्या संबंध है? हाल ही में आदमपुर का भी उपचुनाव हुआ, मैंने वो चुनाव कवर भी किया था आपके साथ, बड़ी लहर चल रही थी, लोग कह रहे थे इस बार जयप्रकाश जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन आप उस निराशा हाथ लगी, आप नहीं जीत पाए। इस बार फिर लोकसभा चुनाव में आप आमने सामने हैं बीजेपी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के परिवार का, भजन लाल के परिवार का कोई भी चेहरा नहीं है, लगता है कि इस बार कुछ हरिद्वार की जनता आपको समर्थन नहीं। इन्होंने जो वायदा खिलाफी की था, उस वायदा खिलाफी में रणजीत सिंह था, इन्हें रणजीत सिंह ने बीड़ बबरान और डंडूर में जाकर के वायदा किया था कि तुम बीजेपी को वोट दे दो तुम्हारे माल करना हक दिलवाएंगे, पाँच गाँव में जहाँ जुड़ा साहब होके गए, तो उनके साथ धोखा किया है, धोखेबाज साहब पे मान मंत्री मानते, इसके कोई वोट नहीं देगा, इसका तो कैंडिडेचर ही रिजेक्ट कर दिया। 10 की 10 सीटों पर जो बीजेपी दावा कर रही है, आप कितना मानते हैं हरियाणा में कितनी सीटें आ रही हैं? 10 की 10 कांग्रेस जीत रही है। अच्छा, भजन लाल परिवार का जैसे इस बार चुनावी मैदान में नहीं है, इससे कितना फर्क देखते हैं आप अपने आप को, किस तरह लगता है? तो इसका तो फर्क तो हर आदमी का अलग अलग अपना अपना मायना है, उनके अपने मायने हैं, इनके अपने मायने हैं, हमारे अपने मायने हैं, किसी और के अपने मायने हैं, इसमें क्या आइडिया लग सकता है? जैसे परिवार के भजन लाल के दो बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई भाजपा के लिए कर रहे हैं, आज नायब सिंह सैनी ने फिर दोबारा कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात की है कि चुनावी मैदान में उतर जाओ, अब चंद्रमोहन बिश्नोई कह रहे हैं कि कांग्रेस का सीधा सीधा चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अगली बार कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनेगी, आज उन्होंने बयान दिया। कौन क्या बयान देता है, मैंने हमारी पार्टी के मामले में हम क्यों चक्कर में पड़ो। अच्छा, लास्ट मेरा सवाल है, 25 मई को वोटिंग होनी है, हिसार की जनता से क्या कहना चाहिए? हिसार की जनता से मैं यही कहूँगा कि खोए हुए संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए, खेती को बचाने के लिए, खेल को बचाने के लिए, ओपीएस को बचाने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए, कानून व्यवस्था की बहाली के लिए, बहुत से ऐसे इशूज हैं, इन पर कांग्रेस पार्टी को वोट दे लोग देंगे, ये चुनाव जनता लड़ रही है, कांग्रेस की तरफ से चुनाव जनता लड़ रही है। एक दो पार्टियां और हैं हरियाणा में, जेजेपी और इनेलो, उनका कोई मायना नहीं है, बेमायने, फिर भी क्या कुछ उनका असर देखते? कुछ नहीं, जीरो। देखिए बिल्कुल, आपने सुना हिसार से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश, जिनका कहना है कि जेजेपी और इनेलो का कोई भी वजूद हरियाणा में नहीं है और इस बार हरियाणा में कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतेगी और आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी बनेगी। इसी तरह आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा, इंडिया न्यूज़ का खास शो चलो दिल्ली में। आज हमने हिसार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश का चुनावी दौरा दिखाया, अगली बार और किसी प्रत्याशी के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे, तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।